पता गया मैं कौन हूं, मैं ये तो नहीं कहता मैं ब्रह्म हो गया हूं या मैं खुदा हो गया हूं, मुझे पता लग गया मैं कौन हूं। एक मालिक कुल है, परम तत्व आधार, जिसका मुझे तो पता लगा नहीं, वो बेअंत है। जब तलाश करने जाता हूं अपना आप भूल जाता, जब होश आती है मैं सोचता हूं कुछ बन गया वकील चंद, काम है तू, ये तजर्बा मुझको तुमसे हुआ। तुम लोग जो कहते हो मैं तुमको देता हूं, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं देता, ये सब तुम्हारा अपना ही विश्वास है, तुम्हारा अपना ही सारा तन यकीन है। ऐ त्रिजक तुम मेरे सच्चे सदगुरु, सारा तन मेरा सच्चा सदगुरु, आशीष शर्मा मेरा सच्चा सदगुरु, वो अमेरिकन लेडियां जो आ रही हैं वो मेरे सच्चे सदगुरु। मैं तो ना अमेरिका जाता हूँ ना कहीं जाता हूँ, ना मुझे पता, कभी तो मैं कहता हूँ इन महात्माओं ने, इन गुरुओं ने, इन मतबों ने, इन पंथों ने हम सबको बेवकूफ बनाकर उल्लू बनाया, हमारी दौड़तें ली, हमारे धन लिए और हमसे कुकरू कू कराई। गुरु की सेवा है, गुरु से ज्ञान जो पाए शीश दक्षिणा दे, जो मैं ज्ञान दे चला उसकी तो कोई कीमत नहीं है। तुम मेरी सेवा कहां जम्मे दे देने वाले, तुम में ताकत क्या है जो मेरी सेवा कर दो, कृष्ण की क्या ताकत है जो मेरी सेवा करेगी, ताराचंद मेरी सेवा क्या करेगा, आशीष शर्मा मेरी सेवा क्या करेगा, तुम तो आप भिखारी हो, युवा पादानी थी, तो मुझको दीजिए शांति मिली, ये मेरा जिंदगी का मंजिल मकसूद है।
दाता ने ये काम मुझे इसलिए नहीं दिया था कि मैं गुरु बन के तुम लोगों को लूटूं, मुझे ये काम इसलिए दिया था कि मेरा जो धर्म था, मेरा जो अज्ञान था, जिसके लिए मैं दौड़ता फिरता था, वो मेरा खत्म हो गया, मुझको शांति मिल गई। सनातन धर्म भी यही कहता है पीछे से, ओम शांति शांति शांति। और अगर भाई मेरे ही फर्ज करो, जिससे दुनिया कैसी है, मैं तो जानता हूं, अगर सपोज इफ देयर इज एनीथिंग इन मी, सपोज आई हैव नो नॉलेज ऑफ इट, मुझे कोई पता मैं नहीं जानता, मैं अपनी आत्मा को साफ रखे जाना चाहता हूं। अगर कुछ है मेरे पास तो मुझका इल्म नहीं। हां, मेरे पास दो चीज है, गुड विशन, तुम गृहस्थी हो बच्चे हो, मेरे पास आके रोते हो, अपने अपने दुखड़े सुनाते हो, मैंने पिछले जन्म ये बड़े खोटे कर्म किए हुए हैं तो मुझे ये काम करना पड़ा, क्यों? तुम लोगों के दुख सुनता हूं, अगर तुम्हारे दुख को सुन के मैं दुखी नहीं होता, मैं उसका इलाज नहीं सोचता, तो मेरी बेवकूफी है। अगर मैं दुखी होता हूं तो मैं पापी हूं, मैंने बड़े खोटे कर्म किए हैं जो मुझको ये गुरुवाई मिली, मगर ये गुरुवाई तुम लोगों को लूटने के लिए नहीं मिली, ये मुझको मेरे ही भ्रम अज्ञान संशय जो मेरे दिल में तड़प थी, लगन थी, आस थी किसी चीज की तलाश की, वो मेरी खत्म, मुझे ये चीज मिली। हो सकता है मैं गलती पर गया, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं, मैं इंसान बनू की आवाज बता चला, इंसानी नियमों को पालन करो बच्चों, घरों में रहो, मानसिक ब्रह्मचर्य रखो, घरों में शांति रखो, होम पीस रखो, अपने एक दूसरे के काम आओ, तुम हर एक आदमी की सेवा नहीं कर सकते, जो जिनको कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाया है, फर्स्ट हेल्प देम, सर्व देम फर्स्ट, और एक मालिक को याद करो, वो मालिक है अकय अपार आगाज अनंत, मगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते, इस वास्ते सत्संग है। सिर्फ सत्संग की महिमा इसी वास्ते है कि तुमको सत ज्ञान दिया जाए। आखिरी अस्ति कर दो, वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान मय, वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान मय, वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम दाता जाल अपने दाता जाल ने एक महामूर्ख अज्ञानी को खेल खिला, मुझे भी लिख रहे थे वो, खेल खिला हूं सुगम सहेला सुर शब्द मत गाऊं, काल होंडोले से तू बाजे विधि विचित्र बतलाऊं, क्या विधि विचित्र, कर गुरु कर विवेक से गुरु का सत्संग, ये विधि। मैं जानता हूं मेरी साफ कहने से मुझे कोई पैसा नहीं देता, मैं जानता हूं मेरा मान नहीं होता, मेरी इज्जत नहीं होती, अगर मैं पर्दा रखता तो जितना चाहे तुम लोगों का खून पी के चला जाता, तुम खून देते भी अपना, खुश भी होते। प्रिंसिपल राम साहब, मैं क्या कह रहा हूं, पर बंधनम
के लिए मैंने प्रण किया था। अपना अनुभव कह जाऊं कहेगा, मैंने राधा स्वामी खान को क्या समझा, राजा जाल जानते होंगे, राधा स्वामी मत वाले जानते होंगे, राधा स्वामी खान क्या है। ये ज्ञान है कि एक अकाय अपार अगाध अनामी माल के कुल जात है, उसका ही ये सब संसार में खेल है, उसी में उसी की तमाम रचना है और उसी से होती है और उसी में समा जाती है। इस ज्ञान को हासिल करके हमारा सेल्फ का निरहंकारी होकर शांत अवस्था में रहना मेरी समझ में राधा स्वामी धाम है। किसी और कोई राधा स्वामी धाम हो तो दाता जाल का कौन सा राधा स्वामी धाम है वो जानते होंगे, आगरे वालों का राधा स्वामी धाम क्या है वो जानते होंगे, मेरा जो राधा स्वामी धाम है जो मैंने समझाया वो ये है सबको राधा स्वामी।